भाई नवेली सरकार, योगी सरकार ने आखिरकार अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। दूसरे मंत्रियों की बात करें तो स्वाति सिंह को महिला कल्याण मंत्रालय और चेतन चौहान को खेल मंत्रालय दिया गया है। इसी के साथ स्वयं प्रसाद मौर्य को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। यूपी के नए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। वहीं रीता बहुगुणा जोशी को माध्यमिक शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थनाथ सिंह को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सीएम योगी के मंत्रालय में मौजूद एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर जो अटकलें लगी हुई थी कि किसके हिस्से क्या जिम्मेदारी आएगी, किसको कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, वो अटकलें अब खत्म हो गई हैं, जिसके बाद अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसको बखूबी निभाए। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।